हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे ये एग्जाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन नंबर वन है इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन वैल्यू ऑफ इंडेक्स लाइज एम्पलीट्यूड में में कह रहा है जो वैल्यू लाई होता है वो जीरो से एक के बीच में होता है ऑप्शन ए हो जाएगा सिग्नल ट्वेंटी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितना दिया हुआ है मान लीजिए ट्वेंटी साइन फोर पाई इंटू टेन टू दावर थ्री टी ठीक है तो यहां से साइन ओमेगा एम टी होता है मीन्स भी एम जो मैक्सिमम वोल्टेज हो गया मोबलेटिंग मोबलेटिंग सिग्नल का वो हो गया कितना कंपेरिजन कीजिए तो ट्वेंटी वोल्ट हो गया भीएम ट्वेंटी वोल्ट आ गया अब देखिए और क्या दिया हुआ है एंड कैरियर सिग्नल का दिया हुआ है कैरियर का दिया हुआ है फोर्टी साइन टू पाई इंटू टेन टू डी पावर फोर टी दिया हुआ है तो ये होता है भी सी साइन ओमेगा सी टी

एम्प्लीट्यूड ऑफ एल एस बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एम एस बी दोनों का एम्पलीट्यूड जो है सॉरी यू एस बी लोअर साइडबैन और अपर साइडबैन का एम्पलीट्यूड सेम होता है इक्वल टू तो होता एम इंटू भी सी बाई टू मतलब मॉडुलेशन इंडेक्स वी सी हो गया कैरियर का एम्पलीट्यूड बटे टू तो एम कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव आया था और भी सी है फोर्टी बाई

कौन सा मेथड यूज किया जाता है रिंग मॉडुलेटर का यूज किया जाता है थ्री का बी हो जाएगा रिंग मॉडुलेटर क्वेश्चन नंबर फोर है बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी सिग्नल इज सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का बैंडविड्थ कितना होता है तो मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है या मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है बैंडविड्थ एफएम होता है वही डीएसबी एफसी बी पूछता डबल साइड बैंड फुल कैरियर तो इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा टू एफ एम होता है और एस एस बी एस सी का एफ एम होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका फोर का सी क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कह रहा है किस में जो है फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है इंडिपेंडेंट है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है ठीक है ना जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज टू होता है के एफ इन EM, ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल ठीक है ना तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी और एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूडलेटिंग सिग्नल पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता है किस पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल पर डिपेंड करता है तो ये किस में होता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेसन ऑप्शन ए हो जाएगा फाइव का क्वेश्चन नंबर सिक्स है यूनिट ऑफ डेविएशन सेंसिटिविटी फॉर एफ एम इज तो देखिए फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी का क्या कहता है यूनिट पूछ रहा है तो ये हर्ज पर वोल्ट होता है ठीक है ना तो ये हर्ज होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो रेडियन पर सेकेंड वोल्ट हो जाएगा मतलब रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड पर वोल्ट हो जाएगा हर्ज को रेडियन पर सेकेंड में लिख दिया गया और वोल्ट तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइकेस्ट रेट क्या होता है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पर होंगे एफ एस ग्रेटर टू टू एफ एम होता है और एफ एस जो होता है इसको हम लोग नाइक स्ट्रेट बोलते हैं तो एफ एस इज टू टू एफ एम जाएगा ऑप्शन ए सेवन का क्वेश्चन नंबर एट की ओर चलते हैं कह करा एपर्चर इफेक्ट इज रिलेटेड टू ए इफेक्ट किससे रिलेटेड है तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग से रिलेटेड है एपर्चर इफेक्ट एट का सी हो जाएगा फ्लैट टॉप सैंपलिंग क्वेश्चन नंबर नाइन है

बी हो जाएगा टेन का क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल मॉडुलेशन सिस्टम कह रहा है इसमें से कौन सा डिजिटल मॉडुलेशन सिस्टम है तो बीपीएस के बाइनरी फेज शिफ्टकिंग ये डिजिटल मॉडुलेशन सिस्टम है बाकी जो भी है पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड मॉडलेशन ये तीनों क्या है ये सिस्टम है वही बीपीएस के क्या है बाइनरी डिजिटल सिस्टम है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कॉम्पाइंडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म कॉटाइजेशन ये सही है ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फॉलोइंग लाइन कोड है में जो है हाई क्रॉस स्टॉक होता है ऑप्शन बी तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कोड वेन सिंबल ओ इज ट्रांसमिटेड एक्सपी एक्सऑफ्ट

कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सी के द्वारा कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो वॉइस सर्विस और डेटा सर्विस दोनों किया जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज देंस टाइप सिस्टम कौन सा एवॉइडेंस टाइप सिस्टम है तो डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेड स्पेक्ट्रम और फ्रीक्वेंसी होपिंग दोनों जो है एवॉडेंस टाइप सिस्टम में आता है ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी हो जाएगा सेवनटीन का क्वेश्चन नंबर एटीन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम कह रहा कौन सा जो है परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है डायरेक्ट डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम का डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम का कौन सा परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है तो प्रोसेसिंग एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर जेमिंग मार्जिन सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है बैंडविथ ऑफ एफ एच एम एफ एम एफ एस के सिग्नल इज इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा टू टू टी पावर एन इन टू एफ एस टू टू टी पावर एन है नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी होप्स और एफ एस है सिंबल फ्रीक्वेंसी ऑप्शन बी हो जाएगा नाइनटीन का नाइनटीन का बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज फॉर डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए डी के लिए कौन सा यूज किया जाता है तो बीपीएस का बाइनरी फेस शिफ्ट किंग का यूज किया जाता है ऑप्शन ट्वेंटी का ए हो जाएगा ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर टू है राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एफएम का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है ठीक है इसी का और मैं पूछा है डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन ठीक है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन को डिफाइन करना है और उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा है ए कैरियर सिग्नल हंड्रेड कॉस्ट टू पाई इंटू ट्वेंट पावर फाइव टी इज मॉड्यटेड बाई मैसेज सिग्नल ट्वेंटी फाइव कॉस्ट टू पाई इंटू ट्री टी अब यहाँ से मॉडुलेशन इंडेक्स निकालना है टोटल पावर डिलीवर टू लोड दे दिया है पाँच सौ में टोटल पावर डिलीवर निकालना है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालना है और बैंडविड्थ निकालना है

क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है राइट इंपोर्टेंट कैरेक्टेरिस्टिक्स ऑफ लाइन कोडिंग लाइन कोडिंग का इंपोर्टेंट कैरेक्टेरिस्टिक्स को लिखना है इसी का और में पूछा है प्राइमरी डाटा दिया हुआ है इस ट्रांसमिटेड ओवर ए बेसमेंट चैनल ड्रॉ द वेफन फॉर ट्रांसमिटेड डाटा यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मेट पोलर आरजेड का यूज करना है यूनिपोलर एन आरजेड का यूज करना है और यूनिपोलर आरजेड का यूज करके इसको जो है दिखाना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट सिक्वेंस डायरेक्ट स्पेक्ट्रम टेक्निक का जो है एप्लीकेशन बताना है इसी का और में पूछा है व्हाट इज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड नॉइज इन डेल्टा मॉड्यूलेशन ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि छह नंबर में पूछता है एक्सप्लेन इन वेलप डिटेक्टर सर्किट फॉर द डी ऑफ ए एम सिग्नल इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डायरेक्ट मेथड फॉर द जेनरेशन ऑफ वाइड एफ एम सिग्नल वाइडबैंड एफएम सिग्नल जनरेट करने के लिए जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन होता है एफएम का वो लिखना है क्वेश्चन नंबर एट है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ फ्लैट टॉप सैंपल्स इसी का और है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीसीएम ट्रांसमीटर विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम की मदद से पीसीएम ट्रांसमीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है क्वेश्चन नंबर में पूछा है। सिंगल साइड और भेस्टीजियल साइड बैन तीनों को कंपेरिजन करना है क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लेन नाइकस्ट क्राइटेरिया फॉर डिस्टोर्सन लेस बैंड बाइंडी ट्रांसमिशन और इसी के और में पूछा एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ एफ एच कॉमा एम एफ एस के रिसीवर डायग्राम क्वेश्चन नंबर इलेवन है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ डी एस बीपीएस के सिस्टम इट्स ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम की मदद से डी एस के जो है सिस्टम का एक्सप्लेन uh, uh, करना है और मैं पूछा है राइट साइलेंट फीचर ऑफ सीडीएम कोल्टीप्लेक्सेस का फीचर विशेषता को लिखना है जो मुख्य विशेषता है उसको लिखना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का एम सी क्यू क्वेश्चन पेपर और हम लोग सब्जेक्टिव दोनों देखे जो एग्जाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा उसी का ये क्वेश्चन पेपर है थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देख सकते हैं डिफरेंट सर क्वेश्चन जो पूछा गया है Thank you for watching this video. Thank you so much.